जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कजरी तीज, सातोड़ी तीज, जो बूढ़ी तीज, इसकी हम पूजा सामग्री दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमें नीम की टहनी चाहिए होती है, आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। और इस तरह से हमें गिलास में लगा लिया है, गमले में लगा लीजिएगा मिट्टी भर के। और इस तरह से हमें एक वाइट पेपर चाहिए होगा जिस पे हम टिकिया लगाएंगे हल्दी रोली मेहंदी की। आप चाहे तो डायरेक्ट दीवार पर भी कर सकते हैं। तो आजकल सब सोचते हैं दीवार गंदी ना हो, तो इस तरह से वाइट पेपर आप कार्डबोर्ड पे लगा करके रख लीजिएगा। और भक्तों, इस तरह से हमें एक तलाई बनानी होती है मिट्टी और गाय के गोबर से मिला करके। यदि आपको नहीं मिल पाता है कहीं भी, तो अब आप इस तरह से कुंडारा ले सकते हैं जिसमें आप ज्वारे वगैरह बोते हैं, तो इस तरह से ले सकते हैं। आप थाली प्लेट भी ले सकते हैं जिसमें हमें तलाई बनानी होती है। और यहाँ पर हमने कपूर धूप बना ली है और लंबी बाती का हमें यहाँ पर दीपक तैयार करना है, तिली के तेल का, देसी घी का। माचिस जरूर से रख लीजिएगा क्योंकि इसमें गोल बाती नहीं जलाई जाती है, लंबी बाती जलाई जाती है। अब देख लेते हैं थाली में हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो देखिए, यहाँ पर चंदन रोली, अक्षत और हल्दी का चोकटा रख लेंगे। हल्दी इसमें जरूर से प्रयोग करनी है क्योंकि नीमड़ी माता को हल्दी जरूर से लगाई जाती है। यहाँ पर इत्र ले लेंगे। भक्तों, जो कजरी तीज की जो व्रत पूजन है, ये सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं मन भावन पति के लिए, अच्छे घर की प्राप्ति के लिए करती हैं। गाय का कच्चा दूध ले लेंगे और एक लोटा जल ले लेंगे जो कि हमें कथा सुननी है। एक लोटा जल अलग से लेना है जो कि हमें तलाई बनानी है, यानी तालाब बनाना है और शुद्धिकरण करने के लिए लेना है। आप ज़्यादा जल ले लीजिएगा। गेहूं इस पूजा में बहुत ज़रूरी है। आप गेहूं के दाने आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि हमें दान करना होता है। अक्षत भी ले सकते हैं, अगर आपको गेहूं ना मिल पाए तो आप अक्षतों का भी प्रयोग कर सकते हैं। टिक्की लगाने के लिए हम यहाँ पर रोली थोड़ी सी घोल कर रख ली है। और मेहंदी, यहाँ पर जो मेहंदी की भी टिकिया लगाई जाती है नीमड़ी माता को, और जो वाइट पेपर लिया है उस पे काजल ले लेंगे। काजल ये मैं पूजा में हमेशा यूज करती हूँ, तो इसलिए मैं ये काजल ले रही हूँ। आप नया काजल भी ले सकते हैं। यहाँ पर चांदी का सिक्का लेना होता है। यदि आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप प्रचलन में जो सिक्का चल रहा हो वो ले लें, सुपारी ले लें, क्योंकि इससे हमें जो है सातु को बढ़ाना होता है, यानी काटना होता है, वो भी पुरुषों के द्वारा कटाया जाता है। वस्त्र रूपी कलावा ले लेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें गणपति जी को अर्पित करना है। और जल देखने के लिए, जो कि हमें तलाई में देखना है, इस तरह से मंगलसूत्र ले लीजिएगा, नथ, मांटिका, जो भी आपकी सुहाग की सामग्री है वो आप जरूर से ले लीजिएगा और इसे पहन भी लीजिएगा। मोतियों की माला जरूर से लें, अगर आपके पास सफ़ेद मोतियों की माला है वो भी ले सकते हैं, नहीं तो जो भी प्रकार के आपके पास मोतियों की माला है वो आपने इस पूजा में रखना है। और हो सके तो आप भी 16 श्रृंगार करके इस पूजन को, व्रत पूजन को करें। जो ये पूजा होती है शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से रख लीजिएगा, कम या ज़्यादा, क्योंकि ये हमें दान में देना होता है। देखिए, ये सातु होता है, सातु को बनाया जाता है। ये आप चने के, जो भुना हुआ चना होता है उससे बना सकते हैं, चावल के आटे से बना सकते हैं, गेहूं के आटे से बना सकते हैं। इसमें घी डाल करके अच्छी प्रकार से तवी से बनाया जाता है। और ये जो लड्डू एक बनाया है ये बायने के रूप में दिया जाता है, तो इस तरह से दो बनाए जाते हैं, एक सातु बड़ा बनाया जाता है, एक लड्डू जो बनाकर मैंने रखा है। इस तरह से आप भी दो जगह बना लीजिएगा क्योंकि जो सातु है बड़े कटोरी में, ये हमें प्रसाद के सहित ग्रहण करना होता है। और देखिए, हमें पांच प्रकार के फल चाहिए होते हैं जिसमें नींबू और खीरा यानी ककड़ी, इसका विशेष महत्व होता है इस पूजा में, आप ले लीजिएगा। यदि आपके पास ना मिल पाए तो नींबू और बाकी फल आप ले सकते हैं। यदि आपको खीरा मिल जाता है, नींबू नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, तब भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। कुछ फूल ले लीजिएगा जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लाल, पीले, नीले, जो भी फूल मिल जाए आप फूल जरूर से ले लीजिएगा। यदि फूल नहीं है तो उसकी व्यवस्था जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करना है नीमड़ी माता को। मैंने यहाँ पर दो चुनियाँ ली हैं, एक मैं नीमड़ी माता को उठाऊंगी और एक जो है हम दान करेंगे। आप यहाँ पर ब्लाउज पीस, सूट, साड़ी भी ले सकते हैं।
तो ये थी जो है पूजन सामग्री। आप गौ माता के लिए आटे की लोई में गुड़ मिलाकर के गाय को खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, चने की दाल गुड़ खिला सकते हैं, इसकी व्यवस्था जरूर से कर लीजिएगा। आज के दिन गौ माता की सेवा जरूर से करनी चाहिए। तो आप गौशाला में जाकर गौ की सेवा जरूर से कीजिएगा। आई होप आपको कजरी तीज की पूजा सामग्री की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य